नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 8 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एक करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे कि देश भर में कितने स्वस्थ हुए लोग और कितने संक्रमितों के आंकड़े नए मामले आए हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में जानेंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि चीनी सैनिकों की होने लगी वापसी, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। और इस बीच आपको बता दें कि बहुत बड़ी खुफिया जानकारी निकल के आई है कि भारत ने पूरी प्लानिंग कर ली थी अक्साई चीन को पूरी तरीके से कब्जे करने की। जी हां, चीन को चल गया था पता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन क्लीन यूपी में शुरू। इसके साथ ही ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, लगभग बड़े पैमाने पर 70 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, एसटीएफ पद से भी हटा दिया गया, कई तबादले किए गए हैं यूपी में, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर, गलवान में चीन की हार के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त बौखलाहट हो चुकी है। पीओके को लेकर चिंता है पाकिस्तान को कि भारत चीन पे अटैक करके नया बल्कि पीओके पर ही हमला कर सकता है। जी हाँ, इसके बारे में साफ साफ पाकिस्तान रोने लगा है, फिर से इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच मिर्जापुर में 13 मदरसे पर फर्जी, 5 साल में लाखों रुपए का मिला भुगतान। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, विकास दुबे में मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। इस बीच नेपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर नेपाली सांसद पर एक्शन लिया गया जो भारत के समर्थन में बोली गई थी, इसके बारे में जानेंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा, फिलहाल चलिए हम खबरें विस्तार से लेते हैं। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 7,43,000 को हो गया है। पर जी हाँ, आपको बता दें कि 7,43,000 के आंकड़े को पार कर गया है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 23,135 मामले सामने आए हैं, मृतकों की संख्या 20,000 के पार कर गई, 20,653 मामले सामने आए। जबकि अच्छी खबर यह है कि 4,57,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल 5,134 मामले सामने, तो टोटल 2,17,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। तमिलनाडु में 3,616 मामले सामने, तो टोटल 1,18,000 के करीब हो गए हैं। दिल्ली में 2,008 मामले सामने, तो टोटल 1,02,000 के करीब हो गए हैं। गुजरात में 778 मामले सामने, तो 37,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। यूपी में भी 1,332 मामले सामने, तो टोटल 29,900 के आंकड़े हो गए हैं। तेलंगाना में 1,880 मामले सामने, तो टोटल 27,600 के करीब हो गए हैं। कर्नाटका में 1,498 मामले सामने आए, तो टोटल 26,800 हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 850 मामले सामने, तो टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। राजस्थान में 716 मामले सामने आए, तो टोटल 21,400 के आंकड़े हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 1,178 मामले सामने आए, तो 21,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि हरियाणा में 495 मामले सामने आए, तो 18,000 के करीब आंकड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 343 मामले सामने आए, तो 15,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। असम में 814 मामले सामने आए, तो 13,000 के आंकड़े पार, जबकि बिहार में 385 मामले सामने आए, तो 12,000 करीब आंकड़े हो गए। उड़ीसा में 571 मामले सामने आए, तो टोटल 10,000 हो गए, जबकि जम्मू कश्मीर में 256 मामले सामने, तो टोटल 8,000 पार कर गए। राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली खबर लेते हैं, आपको बता दें कि चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। जी हाँ, अपना एक एक सामान समेटने लगे चीनी सैनिक, लेकिन आखिर इतनी जल्दी चीन कैसे पीछे हट गया। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे खुफिया जानकारी जो निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत की पूरी तैयारी और कूटनीतिक दबाव, अमेरिका भी चारों तरफ से समुद्र से तीन तरफ से घेरने के बाद चीन को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच भारतीय इंटेलिजेंस को चीन ने एक खुफिया जानकारी भारत से पता करी, जिसमें भारतीय पूरी तरीके से इंडियन आर्मी चीन पर अटैक करने ही वाले थे। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन की मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि भारत कुछ अपने ज़्यादा ही हद से आगे निकल चुका था। यानी चीन का इनडायरेक्टली भारत पर ये निशाना है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के सह पर भारत गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को हटाने के लिए अटैक करने वाला था। इस तरीके से चीनी मीडिया में ये बातें छाई हुई हैं और यही कारण है कि अब चीन की सरकार की जमकर बेइज्जती हो रही है। दरअसल चीन की मीडिया में ये छाया है कि भारत अटैक करने वाला था चीन पर, अक्साई चीन पर, और यही कारण है कि चीनी सेना पीछे हटी है, चीनी सरकार इसीलिए पीछे हटाई है। तो वहाँ की मीडिया अब चीनी सरकार को कोसना शुरू कर दिए हैं, ये बड़ी इनपुट निकल के आई है चीन की तरफ से कहना है। जबकि आपको बता दें कि भारतीय सेना हालांकि अभी भी एक इंच पीछे नहीं हटी है, भारतीय सेना अभी भी पूरी तरीके से उसी चौकसी के साथ बरत रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक एक जगह एक एक तंबू को चीन समेटने लगा है, जिस गलवान घाटी पर, जिस गलवान घाटी के कारण 15 जून को झड़प हुआ था, वहाँ से पूरी
तरीके से चीन अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर चल पड़ा है। ऐसे में ये भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक बड़ी विजय है, लेकिन चीन में इसको लेकर काफ़ी भयंकर डर बना हुआ था। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। यूपी के कई शहरों में ऑपरेशन क्लीन चलाने के आदेश दिए, अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दी है। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला कप्तानों से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही गैंग के आर्थिक मोर्चे पर भी कमर तोड़ने को कहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी बेहद ही नाराज हैं। 5 दिन बीतने के बाद भी विकास दुबे को अभी तक पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी को देखते हुए सीएम योगी पुलिस प्रशासन से काफ़ी खफा हैं और खुली छूट, अपराधियों में नो टॉलरेंस, यानी किसी भी तरीके से उन पर रहम ना दिखाने की सीएम योगी ने बात कही है। इसके साथ ही अब और कुंडलियाँ खगाली जा रही हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की धड़कने बढ़ गई हैं। गलवान घाटी में चीन के पीछे हटने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पीओके पर अटैक कर सकता है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ उत्पन्न तनाव के बीच पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर हरकतें और बढ़ा दी। पाकिस्तान ने एलओसी पर पुंछ से लगते पीओके के इलाकों में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। पीओके में कोटली, रावलकोट, बिघम्बर बाग, मुजफ्फराबाद सहित कई स्थानों पर अतिरिक्त बटालियन की तैनाती कर दी। एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान ने अपनी ताकत को दोगुना करने का प्रयास किया। दरअसल पाकिस्तान ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को एक रिपोर्ट पता चली है कि भारत एलएसी के जरिए गलवान घाटी के जरिए एलएसी के जरिए वो एलओसी पर हमला कर सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान, आपको बता दें कि 1 महीने पहले से ही ये रोना शुरू कर दिया है कि भारत पीओके पर अटैक करने वाला है, जबकि भारत की तरफ से भी बाकायदा पाकिस्तान की एक एक हरकतों पर नज़र रख रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी सैनिकों को बढ़ा रहा है बॉर्डर के इलाकों में। हालांकि चीन तो पीछे हट गया है, लेकिन चीन के पीछे हटने के बाद पाकिस्तान की और हवाइयाँ उड़ गई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अभी तक तो विदेश मंत्री का ही कहना था, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रोना शुरू कर दिए हैं कि अब पीओके पर भारत अटैक कर सकता है। यही कारण है कि वो अपने सैनिकों की बढ़ोतरी कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके को भारत को जल्द से जल्द अपने कब्जे में करना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। सैनिकों के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, मिर्ज़ापुर में 13 मदरसे फर्जी चल रहे थे, 5 सालों में लाखों रुपए का गबन भुगतान शुरू। दरअसल आपको बता दें कि जिला अल्पसंख्यक विभाग से आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद विभाग, जब विभाग से मदरसों के बारे में जानकारी मांगी तो पता चला कि कुल 13 मदरसे कागजों पर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इसमें खास बात ये खुलासा हुआ है कि जिसके नाम से ये मदरसे चल रहे हैं, उनमें से मदरसे चलाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। 5 सालों से इन फर्जी मदरसों का भुगतान किया जा रहा था। आरटीआई कार्यकर्ता के इस दावे की तस्दीक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विनोद कुमार जायसवाल ने भी की। उनका कहना है कि 8 सितंबर 2018 को निरीक्षण हुआ तो ये घपला सबसे बड़ा मिला मदरसों के नाम पे। तो अब योगी सरकार ने इस पर जांच के आदेश दिए, इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करने की जो मदरसों के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कानपुर कांड में सबसे बड़ी कार्रवाई से योगी सरकार ने गिराई गाज। एसटीएफ डीआईजी का तबादला हुआ। अब चौबेपुर थाने में भी तैनात सभी दरोगा और सिपाही समेत 68 सिपाही दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। जी हाँ, कानपुर कांड को लेकर बिकरू कांड में चौबेपुर थानेदारों की संदिग्ध भूमिका पाए जाने में 200 पुलिसकर्मी, कल पता चला था कि 200 पुलिसकर्मी विकास दुबे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संपर्क होने की बात आई थी, जिसके बाद पूरी चौबेपुर के टीम को ही लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व एसएसपी को भी वहाँ से हटा दिया गया, यानी कानपुर के पूर्व एसएसपी जो थे उनको तो पहले ही हटाया जा चुका था, लेकिन अब कानपुर के पूर्व एसएसपी बनाए गए थे। यहाँ पर आपको बता दें कि वो डीजीपी एसटीएफ बनाए गए थे, लेकिन डीजीपी एसटीएफ के बाद अब उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि अनंत देव तिवारी ये पहले एसएसपी थे जब विकास दुबे कांड कर रहा था तब, अब उसके बाद कुछ दिन पहले इनको योगी सरकार ने प्रमोशन दिया और एसटीएफ का हेड बना दिया था यूपी में, लेकिन अब सीएम योगी की तिरछी नज़र आई
और UPSTF इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब इनकी जगह पे नए तैनाती STF की कर दी गई है और CM योगी का ताबड़तोड़ ऐलान है कि किसी भी तरीके से जल्द उसको पकड़ना चाहिए, ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, ना ही किसी का मनोबल ऊपर जाएगा, तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो CM योगी का ताबड़तोड़ ऐलान हो गया। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं, नए नक्शे पर भारत के पक्ष में बोलने वाली नेपाली सांसद पर एक्शन, पार्टी ने किया निष्कासित। नक्शा विवाद पर भारत के पक्ष में बोलने वाली सांसद सरिता गिरी को समाजवादी पार्टी SP ने पद से निष्कासित कर दिया। दरअसल उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। नक्शा विवाद पर सरिता गिरी शुरुआत से ही नेपाल सरकार का खुलकर विरोध करती रही हैं। हाल ही में सरिता गिरी ने खुलेआम संविधान संशोधन का भी विरोध किया था। सरकार द्वारा नए नक्शे को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए लाए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए जनता समाजवादी पार्टी की सांसद सरिता गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की थी। हालांकि आपको बता दें कि अभी वहां की तानाशाही सरकार ने इन पर हमला भी करवाया था और हमले के बाद अब ये बड़ी खबर निकल के आई है कि इनको पार्टी से भी निकाला जा चुका है। यह स्पष्ट दिखाता है कि चीन के दबाव में अभी नेपाल कितना ज़्यादा काम कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर, चीन की मुश्किलें बढ़ी, जिनपिंग सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट पहुंचे उइगर मुसलमान। आपको बता दें कि चीन में मुस्लिमों को खासकर उइगर समुदाय के खिलाफ जारी मानवाधिकार शोषण का मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच चुका है, जिससे अब चीन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब PDS कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त में मिलेगा राशन। कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही देश भर के कार्ड धारकों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया था। अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अगले 5 महीनों तक 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है, जो इसके लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, तो एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर अब फर्जी शिक्षकों पर गिरेगी गाज, बेसिक शिक्षा विभाग करेगा 4.25 करोड़ रुपए की वसूली। UP से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती, फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों को अब रिकवरी की तैयारी में बेसिक शिक्षा विभाग जुट गया है। को बता दें कि अनामिका शुक्ला नाम से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके नौकरी करने वाली शिक्षिकाओं के फर्जीवाड़ों की पोल खोलना शुरू हो गई है। उसके बाद परत दर परत ऐसे कई मामले खुलते गए। हालांकि फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर शिकंजा पहले ही कसना शुरू हो चुका था। कई जनपदों में पिछले कई वर्षों में ऐसे मामले सामने आए और ऐसे शिक्षकों की बर्खास्तगी की जा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, आपको दुनिया भर के लिए खतरा, महामारी बन सकते हैं टिड्डी दल, अनाज संकट के भी आसार। जी हां, आपको बता दें कि टिड्डियों को लेकर UN ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तरीके से चेतावनी दी है कि ये टिड्डी दुनिया भर के लिए अनाजों को लेकर बड़ी समस्या बन सकते हैं और ये तेज़ी के साथ टिड्डी दल पनप रहे हैं। भारत में भी ये अब आतंक मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद ये नेपाल की तरफ रुक कर गए हैं, लेकिन आने वाले समय में भी भारी बारिश होने की वजह से और बड़े पैमाने पर टिड्डी दल कोहराम मचा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में इस किसानों को बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ पर आपको बता दें खास करके निकल के आ रही, मरकज के मामले में 122 मलेशियाई नागरिकों को बेल, लेकिन नहीं जा सकेंगे देश के बाहर। निजामुद्दीन मरकज मामले में मंगलवार को 122 मलेशियाई नागरिकों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। इन सभी लोगों को 10,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि अब तक केस खत्म नहीं होता है, जब तक केस खत्म नहीं होता है वो अपने देश मलेशिया वापस नहीं जा सकते हैं। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी विदेशी नागरिक की पेशी हुई थी। इसके साथ ही आरोपी विदेशी नागरिकों पर वीज़ा नियम उल्लंघन और कोरोना महामारी नियमों को उल्लंघन का भी आरोप है और इनसे भी पूछताछ भी होगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे, 1,16,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जी हाँ, 1,16,47,000 कंफर्म केसेज हो चुके हैं तो मृतकों की संख्या 5,38,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 30,00,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,32,000 को पार कर गई है।
ब्राज़ील की बात करें तो 16,28,000 कन्फर्म केसेस, तो 65,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 7,19,000 कन्फर्म केसेस, तो 20,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,94,000 कन्फर्म केसेस, तो 10,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर के आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।